सर क्या सर क्या सुखू जी सीएम बने रहेंगे और पांच सालों तक यही सीएम रहेंगे? फाइव इयर्स देयर बी अ कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखू सिटिंग एडजेसेंट टू मी. सुखू जी विल कंटिन्यू टिल फॉर फाइव इयर्स. सी आई एम टेलिंग यू वी हैव अ कांग्रेस गवर्नमेंट इज देयर. कांग्रेस गवर्नमेंट इज देयर. यस. सुखू इज द चीफ मिनिस्टर. He will be the chief minister. Why are you worried about it? I'm not worried, sir. I'm asking because why you are putting a hypothetical question? Yes. When he chief minister sitting in Congress government is there. Yes. Sukhu is the chief minister. He will be the chief minister. Why are you worried about it? I'm not worried, sir. I'm asking because why you are putting a hypothetical question? Yes. When he chief minister sitting in minister. All MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukhu, which has been proposed by PCC President. Simple it is. जो सर बीजेपी ने ऑपरेशन चलाया था उसको लेके क्या कहोगे आप? दे आर डूइंग लॉट ऑफ ऑपरेशन. दे विल डू डेली. दे विल डू. दे डोंट हैव एनी वर्क. दे विल डू डेली. ऑल एमएलएस नो दैट. बीजेपी ने अभी ये अपने सभी विधायकों को ये कहा कि सारे काम छोड़कर 25 के 25 विधायक शिमला चले जाए. लग ऐसा रहा है कि दे आर कुकिंग समथिंग. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर ओपिनियन? नथिंग. टू वरी. लेट दे कुक एनीथिंग. लेट दे वेस्ट देयर टाइम. Now party stands united. No operation lotus here. On the disqualification of six MLAs, BJP is saying it is illegal. They are moving to the court. See, that is speaker decision. It is the speaker decision. In what way BJP is affected? BJP, it is not BJP MLAs. Congress MLAs at the floor of the house. Floor of the house. It is not on the floor. On the floor of the house, it has taken. On the eyes of the speaker, on the eyes of your camera, everything has been done. It is a speaker decision. We don't want to interfere with the speaker decision. Whatever has been happened, as a parliamentary affairs and a chief whip, he has filed the objection. The law is within the hands. We don't want to intervene with the law of the land and the decision of the speaker. Let me not speak much on this. My PCC president will speak. Madam? नहीं, दे आर आस्किंग दिस सेम क्वेश्चन. बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए. एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर या टू या थ्री पर जो आते थे उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था. उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके. उस बात का हमको सबको बहुत खेद है. अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है. उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है. उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है. वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन चारों सीटों में विजय हासिल. प्रतिभा जी, क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति में? अगर अभी की बात करें तो पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर. आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमान के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि ये आप बार बार प्रश्न पूछते हैं. हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुडा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है. उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें. कमेटी And do you think your issues would be addressed after this? अभी तो वो कमेटी, इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी. जब वो बन जाएगी कमेटी, फिर देखा जाएगा जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करने तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी, और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर. He has already withdrawn the resignation. He is working here.
You'll be attending the cabinet very young. Matter ended yesterday only. Why are you putting today? Okay, thank you. Thank you, thank you. We have to go to the flight. Okay. सर क्या कहेंगे आप राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ जिसमें पर्ची जो खुली हो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसका कि मैं खंडन खुंडन नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहां से ये न्यूज़ आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाईकमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज़ चली फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज़ चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मेजोरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई पूरा हल्ला किया उन्होंने, पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। CRPF आई, यहाँ हरियाणा पुलिस आई, यहाँ उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे, विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने। और उसके बाद देखिए, हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था मार्शल के साथ, उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया।